अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तो आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज का इंशाल्लाह व्लॉग। इंशाल्लाह इसमें आपको आज नए मेहमानों से भी मिलाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। जी दोस्तों, ये हमारा नन्ना मेहमान मैं बात कर रहा था, और ये बगीचा पेड़ है, और आज कौकल माशाल्लाह से बड़े एक्टिव है, बड़ा शोर कर रहे हैं। आज फुल फॉर्म में है ये माशाल्लाह। आज ये नन्हे मेहमान भी वापस बाहर आ रहे हैं कैसे। और ये जो हमारी फर्स्ट है ना, जो हमने इंक्यूबेटर से निकलवाए थे बच्चे माशाल्लाह से, ये आज 10 दिन के हो गए हैं। इंशाल्लाह ये भी थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इनको बाहर निकालेंगे। अभी ये कैज में रहेंगे, देख सकते हैं तो माशाल्लाह बिल्कुल हेल्थी हैं फुल। जी माशाल्लाह आप देख रहे हैं दोस्तों, इनको अभी मैंने दाना डाला है तो कितने खुश हैं ये। ये हमारी जो ब्रीड है, ये फर्स्ट बैच हमने निकाला है इंक्यूबेटर से, माशाल्लाह से ये अभी 10 दिन के हो गए हैं। तो आपको इंक्यूबेटर का भी एक्सपीरियंस करवाएंगे इंशाल्लाह कि कैसे अंडों को रखना है, कैसे बच्चे निकालने हैं और उनकी केयर कैसे करनी है, वो भी इंशाल्लाह हम आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। तो ये मुर्गी के नीचे हमने अंडे बिल्कुल नहीं रखे थे, ये इंक्यूबेटर में से निकले हैं। हमने रखे थे तकरीबन 12 अंडे ना, तो उसमें से ये 9 बच्चे निकले हैं। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं बहुत हेल्दी हैं, बहुत एक्टिव हैं। और क्या मसला है, बड़ा शोर कर रहे हो आप, क्या मसला है, क्या है, बोलो अब बोलो, अब क्यों नहीं बोल रहे। तो दोस्तों इनका अभी मैंने बॉक्स भी लगा दिया ये रेड कलर में, ताकि ये इसमें अपनी रिहाइश करें, अंडे दें, बच्चे निकालें। पहले ये नहीं था, ये कल इसको मैंने एडजस्ट किया। जी दोस्तों, लियो के खाने का टाइम हो गया माशाल्लाह से, अब इंतज़ार है उसको खाने का। चलो यार सुलमान डालो इसको खाना, भूख लगी है आज, इसके लिए हमने चावल बनवाए जी। जी दोस्तों, इंशाल्लाह आज हम आपको बाहर का जो हमने शेड तैयार किया उसका भी विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, आज माशाल्लाह ये सारे ही बहुत खुश हैं बाहर फ़िज़ा में, खुली फ़िज़ा में माशाल्लाह। मौसम भी बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं कि हवा चल रही है। ये हमारे मुगल ज़ू में ये दरख्त हमने जो उगाया उसकी आपको पिक्चर दिखा रहे हैं। तो माशाल्लाह से मौसम बहुत प्यारा है, उसी कर रहे हैं कि ये जानवर खुली फ़िज़ा में ज़्यादा रहें तो इंशाल्लाह ये सेहत तंदुरुस्त रहेंगे। सुलमान ये सीधा कर दो यार, ये चारा सीधा कर दो ज़रा, आप देख सकते हैं आज माशाल्लाह कितने खुश हैं ये बाहर, मसनूई हवा से इनकी जान छूट गई है। ये चारा जो डाल रहे हैं ना, ये भी हम इनको नेचुरल कुदरती डाल रहे हैं, ताकि इनका जो सेहत का मामला है ना वो ना गड़बड़ हो। माशाल्लाह से ये काफ़ी हद तक हमने इसको कवर कर लिया है, और अभी एक दो काम रहते हैं हमारे शेड के इंशाल्लाह, तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ कंप्लीट हो जाएंगे। ये मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, ये देखें सारी जो हमने छत प्लान की थी ना, ये हमने साइड रखी है हवा के लिए, रोशनी और हवा दोनों इनको मिलती रहे। ये ऊपर हमने सिटी डाली है। ये दोस्तों ये आज मेरे ख्याल में हमारी एक मुर्गी ने अंडा भी दिया है माशाल्लाह से। तो ये हमारी जो ब्रीड है ना, ये हमने घर के लिए अंडे लेने के लिए रखी हुई है ब्रीड, ये घर की है हमारी, ये सब देसी हैं।
इनको अगर बाहर छोड़ेंगे तो ये दूसरों के साथ बहुत लड़ाई करते हैं, तो इसलिए इनको पहले हम अंदर रहने देंगे। जब ये खाना खा लेंगे सारे कबूतर वगैरह ये छोटे बच्चे, तो फिर इंशाल्लाह हम इनको छोड़ेंगे। अगर उनको भी छोड़ दिया तो इनकी आपस में जंग शुरू हो जानी है। तो जी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कल कि हम इंशाल्लाह बकरियों को जो ना इस कैद में इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे, तो वो टाइम आ गया है। चलो भी स्नैन लेके चलो इसको, अब ये इधर ही रहेंगे। और जो है मोर पीकॉक, इनको मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया, ये ओपन मतलब के खुली फ़ा में। अब इंशाल्लाह इनका जो घर है इधर ही है। यार ये इसको पकड़ना, ज़रा शेरू को पकड़ना, शेरू को। ओह हो, ये क्या कर दिया इसने, वो सारी खुली ले गया साथ। यार ये तंग करेगा, ये दूसरों को भी तंग करेगा। चलो इसको अभी छोड़ो ना, क्या करता है अभी। ओए आराम से आराम से आराम से आराम से। यार ये तो बहुत तंग करेगा, इसको इधर लगा दो, इधर 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 बांध दो इसको लोहे के साथ। माशाल्लाह से बड़ा हो गया है ना, तंग करने लग गया है। अब इसको इधर ही रहने दो, उन चारों को उधर रहने दो। या सलमान ये पट्ठे वगैरह ना सारे इसके अच्छे से डाल दो। तो माहौल तो ठीक है, लेकिन आप देखें ये अभी इसने एडजस्ट होते हैं कि नहीं। हमने तो अपनी पूरी ट्राई की है कि ये इधर एडजस्ट हो जाएं ताकि इनको हवा मिले, क्योंकि शेड के नीचे तो बहुत गर्मी है। पंखा भी लगाया लेकिन वो सेटल नहीं हो रहे जी ना। तो आप देखते हैं दोस्तों कि आप इधर ये सेटल होते हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है ये शेरू तंग करेगा, इसकी मुझे परेशानी है, बाकी तो इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएंगे। जग्गू भी एडजस्ट हो जाएगा, क्यों भाई एडजस्ट हो जाओगे? हाँ जी। ओए छोड़े, ये एक दो दिन तंग करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इधर तो इनकी मौज है, बहुत ज़बरदस्त माहौल है। ओए आराम से, ये देखें अब शरारतें कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, बहुत खुश हैं। ये देखें अभी ना हमारे, ओए छोड़ 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 छोड़, ये अमरूद को ये सारा पौधा ख़राब कर दिया। यार शिट, अभी ये पता नहीं क्या करती हैं, इधर सेटल होती है कि नहीं होती, लेकिन मेरी तो कोशिश यही थी कि ये इधर खुली जगह पे रहें बगैर संगली के, बगैर रस्सी के, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ना तंग करेंगी, हमारे पौधों को ख़राब करेंगी। बड़ी मुश्किल से ये पौधे मैंने मैनेज किए हैं। ये देखिए, ओ ओ ओ ओ ओ, हट जा बाज आ जा तू। तो जी गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा छोटा, सबसे छोटा मंगू, माशाल्लाह पेट भर के खाया, अल्लाह की शान, अल्लाह पाक नजरे बस से महफूज रखे। तो दोस्तों ये आज़ादी बड़ी चीज़ है, आज इनकी जो है ना वो हकीकी आज़ादी है, क्योंकि आज इनकी जो गले की रस्सी थी ना वो हमने खोल दी है, आप देख सकते हैं। अभी हमने शेरू को बांधा हुआ है, तो जी गाइस कैसी लगी आज की हमारी ये आपको वीडियोस? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और ख़ुसूसन वो दोस्त जो हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो आप तक बासानी पहुंच सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।